नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। विकास नगर के ग्राम एटनबाग में एक विवाद हो गया जो कि एक दुकान स्वामी और किराएदार के बीच हुआ है। बताते चले कि 2012 में एक दुकान सहारनपुर के रहने वाले कुछ लोगों को किराए पर दी गई थी, लेकिन वह दुकान छोड़कर चला गया और उसने अपने साथी को दुकान दे दी, लेकिन अब वह लोग उसकी दुकान खाली नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर यह विवाद हुआ है। वहीं यह मामला पुलिस चौकी में भी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने कहा कि इस मामले को कोर्ट से निपटाएं। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है दुकान स्वामी का। हमने दुकान दी थी किराए में। किसको दी थी आपने? किराए में अफजल को किराए में दी थी। अच्छा। अफजल को भी नहीं दी थी, ये दूसरा था एक इकराम को किराए में दी थी। अच्छा, किस टाइम दी थी आपने? 2012 में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में ये एक साल उसने करी, उसके बाद में वो छोड़ के इसको, ये उसका नौकर था, इसको छोड़ के वो चला गया। हमने कहा ये इसने जो है उठा के कब्जा करने के लिए पहले लगा चलता रहा इनका। हम 3 साल पहले से हम कहते आ रहे हैं, हमने कहा खाली कर दे। इसने कहा कर दूंगा। इसे करते करते दो ढाई साल के बीच हो गया। उसके बाद में ये गुंडा बुलवाता है शानपुर से, कहते हैं कि मैं शानपुर का हूँ। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि कोर्ट यहाँ फैसला हुआ था चौकी में पुलिस वालों से। पुलिस वालों ने राजीनामा लिख के दे दिया था कि आप 7 तारीख को खाली कर दोगे। फिर हमने जो साथ जो और थे जिनके साइन है उसमें, वो गए इसके पास करने के लिए कि खाली कर दे। इसने कहा मैं नहीं करूंगा खाली, इन्हें जो भी हो, जो पुलिस बुलानी, जो कोर्ट के कागज लाने, जो भी कुछ करना कर लो, मैं कुछ नहीं करने का। आज दुकान में हाथापाई भी हुई? नहीं हुई। तो क्या दुकान खाली करी नहीं करी? दुकान खाली कर रहे थे, पुलिस वाले आया के इसको कुछ नहीं कहा, हमें कहा जो भी कहा। अच्छा, फिर आपने पुलिस वाले ने दबाव हमारे ऊपर डाला कोर्ट के थ्रू खाली करवा रहे हो क्या है? कोर्ट के पहले एसटी लगाया था, कोर्ट के थ्रू कुछ नहीं था, एसटी लगाया था वो टूट चुका था। उसके बाद में भी वकील आया एडवांस मार्च तक का फिर लगवा के आया, एडवांस लगाया। तो दुकान खाली नहीं हुई आपकी? दुकान खाली नहीं हुई है? नहीं हुई खाली। दुकान कहाँ पर है? दुकान कहाँ पर है आपकी? यही है चक्रता रोड, विकास नगर रोड। क्या नाम है आपका? नाम आपका? मेरा नाम सपना देवी है। किस भी विषय में विवाद हुआ, क्या हुआ था? ये पहले से बदतमीजी करता था और हमने इसको कई बार खाली करने के लिए बोला, घर वालों ने भी बोला कि इसको खाली कर दे, बट इसने बोला कि किस पे जो होता कर ले। दुकान किसके नाम? एक मिनट, दुकान किसके नाम है? पापा जी के नाम है। अच्छा, किस आपने कब दी थी इसको दुकान? 2012 में। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसे पहले भी एक साल के लिए किसी और के नाम पर एग्रीमेंट था, इसने बोला कि हम उन्होंने इसको छोड़कर चले गए कि ये कर लेगा। हमने सोचा हम भाई बंदी में रह गए कि हाँ ये कर लेगा, बट इसने ये तो सिर पे ही चढ़कर बैठे। आपने लिखा पढ़ी करवाई थी पहले जब दुकान दी थी? एक साल का एग्रीमेंट होता है, साल का। उसके बाद नहीं करवाया हमने एग्रीमेंट, कि इसने बोला मैं खुद खाली कर दूंगा। फिर अभी 3 साल पहले हमने इसको बोला कि खाली कर दे, क्योंकि मेरा छोटा भाई है वो बेरोजगार है, उसके लिए हमें ये खोलनी है दुकान। और क्या बोलते हैं, इसको बोला खाली कर दे कि कर दूंगा, यूँ बोला। उसके बाद इसने हमें खाली करने के लिए इसने स्टे ऑर्डर ले लिया उसके ऊपर। तो आज क्या विवाद हुआ आपका? हमने बोला इसे अभी इसे चौकी से 6 महीने का एग्रीमेंट करवाया था, और क्या बोलते हैं एग्रीमेंट में इसने बोला कि 7 तारीख है, आज खाली कर दूंगा। फिर हमने पुलिस वाले के पास गए, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट से होगा जो भी होगा तुम्हारा। तो आज कोर्ट का आदेश लाया तो उसमें अपनी दुकान आज खाली नहीं हुई है, अब क्या कहोगे आगे? सर हमें यही, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी दुकान खाली चाहिए बस। तो आज कोर्ट का आदेश लिया है, तो आज कोर्ट का आदेश लिया तो क्या करोगे इसमें? देखते हैं, अब अपने वकील से थोड़ा सा कंसल्न करेंगे, वरना हम अभी पुलिस वाले जो आपका नाम पुलिस वाले जितने हैं इनको भी बताएंगे। आपका नाम? सृष्टि वर्मा।